निकल पड़े हैं गाइस ऊपर वाले का नाम लेके, चलो अब हम घर जाके ईद करेंगे। ऑटो वाले को हेलो हाय कर दो, दूसरी 3263 अल्ट्रा तो बहुत बार निकली यहाँ से, लेकिन ये फर्स्ट है। मैं सेंटर से माल ऊपर है और पीछे से नीचे है, इसलिए ऐसे कुछ लग रही है। तो चलो अम्बाला सिटी, ये रहा हरियाणा का गेट अम्बाला के पास में, यहाँ से एक चंडी। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल जेके 12 वाले वीर। तो गाइस अभी हम देख लो हम कहाँ पर हैं, हरियाणा गुड्स कैरिंग कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे हम पार्ट लोड जो माल डालना था वही लोड करने के लिए आए। तो बाकी आज सुबह के बज गए 10-11 बज गए, तो अभी हम गाड़ी गुड़ी वगैरह ला करके चले खाना खाने के लिए, क्योंकि ईद बटवा भी लगी है। आज ईद कल हो गई थी, आज ईद के दूसरा दिन है। तो हम इधर पानीपत अंदर आए थे जहाँ ट्रांसपोर्ट एरिया है, इधर मतलब सब ट्रांसपोर्ट है, एक ये है ट्रांसपोर्ट। तो गाइस एक ये कश्मीरी गाड़ी आई JK13 नंबर की, ये गाइस आगे ऊपर ऊपर से फ्लाईओवर जा रहा है पानीपत वाला, और हम आगे फ्लाईओवर के नीचे। तो गाइस अभी हम खाना वगैरह खाने के लिए आए थे, हमने छोले भटूरे खा लिए, अभी कोल्ड ड्रिंक साथ में पी लेते हैं, मैं थोड़ा इससे क्या होता है ना, चलो अंदर खाना जाना खाया होता है वो बढ़िया आराम से पूरे परे घूम के हो जाता है नहीं। अभी कोल्ड ड्रिंक इसको ख़त्म करते हैं फिर चलते हैं। देख लो गाइस ये इधर होटल है गुरु कृपा ढाबा, सरदार जी का ढाबा है, छोले भटूरे वगैरह मिलते हैं। 150 रुपये हो गए। तो गाइस अपनी गाड़ी अभी यहाँ से दोबारा लोड करने लगे पार्ट लोड, हमने तरपाल खोल दिए और यहाँ क्या करें यार, अब काफ़ी पेट का चक्कर है। तो माल लोड करने के लिए हमने तरपाल भी खोल दी दोबारा से, और यहाँ पे चाय वाला कोखा है, उधर पीते हैं चाय। तो गाइस अभी हमने माल लोड करके दूसरा माल लोड कर लिया, तो अभी चाय पियेंगे यहाँ पे, पहले करते हैं थोड़ा शीशा वगैरह साफ, तो फिर उसके बाद निकलेंगे। ये अपना लुक अभी शाम के टाइम की, तो अभी हमने लोड कर ली गाइस, तो शीशा वगैरह साफ़ कर लेते हैं फिर बस निकलेंगे, बिल वगैरह तब तक बन जाएंगे। तो चलो पहले एक काम करते हैं, चाचा चाय पीनी, चाय बनवाओ। तो चाय बनवा लेते हैं, चाय वगैरह पी के फिर निकलेंगे गाइस। तो चलो पहले चाय के लिए। तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी लोड हो गई है, अब ऊपर वाले का नाम लेकर निकल रहे हैं, बस कोई रास्ते में दिक्कत ना आए। तो ये फ्लाई ओवर ब्रिज, अब यहाँ से हम घूम के ब्रिज के नीचे से कहीं गाड़ी निकालेंगे, उस साइड में करना है, पर अब हमारे को मिल लगता है यू टर्न कहाँ से मिलेगा चाचा, अब यू टर्न लेके फिर इधर ही वापस आना है हमने। ऑटो वाले को हेलो हाय कर दो, रुक जाओ। तो यू टर्न लेके आगे गाइस देख लो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं पानीपत के ब्रिज के नीचे। फर्स्ट टाइम अपना ड्रीम ट्रक यहाँ से गुजर रहा है, दूसरी 3263 अल्ट्रा तो बहुत बार निकली यहाँ से, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है। इतों भी कट ऐसा चाचा, अस पहले अगे गलत चले गए ना, चलो निकलते हैं फिर। तो गाइस अब आस्ते आस्ते हाईवे पे चढ़ जाएंगे, बस थोड़ा ही रह गया 2-3 किलोमीटर के बाद, ये अभी सर्विस रोड ख़त्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कट ही नहीं कोई रखा हाईवे पे चढ़ने के लिए।
यह ठीक किया हुआ है सिस्टम, क्योंकि ऐसे ना स्पीड में गाड़ियाँ होती हैं तो रिक्स रहता है फिर। चलो फिर निकलते हैं, अभी टाइम कितना हो गया चाचा, 9 बज गए। हैं 8, पूरे 8 बज गए तो हम निकले यहाँ से। अब देख लो कार वाला कैसे आस्ते आस्ते भटक रहा है। अब भाई निकल ले, खींच ले भाई खींच ले। हाँ ऐसे ऐसा यूरिया तो नहीं है, कल से यूरिया ही नहीं मिल रहा है इधर, जो हम ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रहा है। टाटा की एजेंसी मिल जाएगा वहीं से ले लेंगे 2 बाल्टी। तो निकल पड़े हैं गाइस ऊपर वाले का नाम लेके, चलो अब हम घर जाके ईद करेंगे। ऐसी लाइफ है क्या ही बोले आपको, मतलब ईद कल हो गई, पिछले कल एक दिन, आज उसके बाद हम दूसरे दिन चल रहे हैं, 2 दिन और लगेंगे हमारे को पहुँचते पहुँचते 3 दिन, मतलब ईद के बाद 4-5 दिन के बाद हम ईद के घर पहुँचे। ऐसी लाइफ है यार, क्या ही कर सकते हैं। बाकी चलो यार आप लोग की दुआएं सपोर्ट भाइयों की, और चलो ऊपर वाला सभी को खुश रखे, हमारी यही दुआ है। और चाचा और हम जाएंगे एक साथ में, अब गा रहे हैं ना चाचा। हाँ चलो फिर चलते हैं। बाकी अब लोग बोल रहे थे स्टेयरिंग चेंज कराना, यार स्टेयरिंग मेरा ये मानना है स्टेयरिंग ये ठीक है, इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो बाकी चलो फिर अभी मिलते हैं आपको हाईवे पे ही। एक किलोमीटर टोल प्लाजा, इस टोल प्लाजे को हम 24 घंटे में 3 बार अप डाउन कर लिया गाइस। ऐसा फर्स्ट टाइम टोल प्लाजा जो 24 घंटे में हमने 3 बार अपलोड कर लिया, अप डाउन कर दिया, और अभी फिर जा रहे हैं। मतलब ये टोल जितना मर्जी चाहे 5 मिनट में वापस आ रहा, ये उतने का ही लगेगा। कहीं टोल पे जैसे 24 घंटे के अंदर अंदर आओगे तो टोल ऑफ लगता है, ये टोल नहीं लगता, ये पूरा ही लग जाता है, पता नहीं क्या सीन है। चल चुक ले पर आ, हाँ अपनी गाड़ी का नंबर भी उधर आ गया गाइस, देख लो। और बढ़िया, तो गाइस फाइनली आ गए हैं टोल प्लाजा क्रॉस करके, यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे बीतते हैं, चाय वगैरह कुछ पी लेते हैं, तो फिर चलते हैं गाइस। और अपना तरपाल ना ऐसे बेकार सी लग रही है, आधा सेंटर से माल ऊपर है और पीछे से नीचे है, इसलिए ऐसे कुछ लग रही है। तो चलो फिलहाल अपना व्हील कप भी एक गिर गया हुआ है कहीं, किसी ने खोल लिया होगा यार, गिरा कहाँ से। तो चलो पहले चलते हैं। तो गाइस हमने चाय वगैरह पी लिया अभी, तो चलो फिर अभी चलते हैं अपने सिद्धू साहब भाई का फोटो हमने पीछे लगाया हुआ है डाले पे, आगे भी लगाया शीशे पे। ओके तो हम भी फैन थे यार सिद्धू मूसे वाले के। तो अभी अपने गाड़ी की लुक देख लो गाइस, अभी अंदर लाइट भी लगी हुई है, तो बाकी एक नीचे भी लगाई हुई है लाइट, बाकी नीचे उतनी फालतू लाइटें नहीं लगाई हमने जैसे लोग इधर भी लगा लेते हैं, वो क्या है ना वायरिंग शॉर्ट होने का खतरा रहता है। तो चलो फिर अभी सफ़र शुरू करते हैं, चलें चाचा फिर। तो गाइस अभी हम अम्बाला में पहुंचने वाले हैं, ये रहा सामने अम्बाला जगाधरी, हमने सोनू भाई यहीं के ही रहने वाले हैं अम्बाले के। तो ये रहा सामने अम्बाला का, अम्बाला सिटी। अम्बाला कर दिया हमने क्रॉस, इधर रेलवे स्टेशन है अम्बाला कैंट। तो ये गाइस अभी हरियाणा यहाँ पे हो जाएगा एंड, ये रहा हरियाणा का गेट अम्बाला के पास में, यहाँ से एक चंडीगढ़ की तरफ गया रास्ता, ये वाला रास्ता चंडीगढ़ शिमला, और हम अभी सीधा लुधियाना। तो गाइस अभी हम पहुंचे थे यहाँ पे, क्या बोलते हैं सरहंद के पास पहुंचने वाले हैं,
राजपुरा क्रॉस करके यहाँ पे हम रुके थे। ये ढाबा है क्या, पेट्रोल पंप भी है साथ में, हमने रुके यहाँ खाना वाना वगैरह खाया। तो अभी अभी टाइम आ गया गाड़ी चलाने का चाचे का, अब आराम से सोना है अभी एक दो घंटे, क्योंकि अभी चाचे ने करनी है ड्राइव। यार ये टायरों का मेरे को लगता है कटिंग। अच्छा तो टंकी में टायर चप्पा अपना ओके है अभी, चलो फिलहाल चढ़ते हैं। अभी अपना टाइम हो गया सोने के लिए, एक दो घंटे अपन कर लेते हैं रेस्ट। तो अब चाचा करेगा ड्राइव। चाचा किधर है अभी? वाया अपना टाइम है 12 बजे तक, 12:30 तक। तो अभी 1 बज गया, खाना वाना खा के अब आराम से सोने का। तो गैस आ गए हैं लखनपुर में, अपना J&K में एंट्री मार रही है और चाचा कर रहे हैं फुल नाइट से ड्राइव, और आपका भाई भी उठ गया है अभी। तो अभी यहाँ पे पास कराना है क्योंकि परचून वाली गाड़ी को थोड़ा दिक्कत आती है, यहाँ जाम लगा रहता है यार, पता नहीं क्यों हर बार जाम लगा रहा। आज नहीं है शायद, यहाँ तो जान नहीं नहीं थल्ले की लानी है। तो गाइस फिर ये इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।